बिहार न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बिहार में क्या सुशासन की सरकार अभी भी बरकरार है? क्योंकि आज सुबह सुबह जिस प्रकार से बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता को गोली मार दी गई है, उसे विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा MLC संजय मयूख जी है। सर, लगातार हत्याएं हो रही है, जिस प्रकार से घटनाएं आ रही है, आज तो आप ही के पार्टी के प्रवक्ता को गोली मार दी गई, कैसे देख रहे हैं? देखिए, घटना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रशासन निश्चित तौर पर अपराधियों को दबोच लेगी, उसको कहीं से भी ढूंढ निकालेगी, क्योंकि यह सरकार कम से कम अपराधियों को संरक्षण नहीं देती है। लेकिन इस घटना से हम सभी आहत जरूर हैं और मुझे विश्वास है, इस सरकार पर भरोसा है कि यह सरकार अविलंब अपराधियों की गिरफ्तारी करेगी। आम लोग अब नेता भी नहीं बख्शे जा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि अब बिहार में उस तरह की सरकार नहीं बची जिसकी आप लोग दावा करके आए? नहीं, बिहार में जो सरकार है वो सरकार पूरी तरह से जनता के प्रति जवाबदेह सरकार है और हम दोषियों को बकसने वाले नहीं हैं। इस पर सर राजनीति भी शुरू हो गई, कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है CM नीतीश को अभी इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं नहीं, ये तो आसान सा स्लोगन है उनका, हर बात में इस्तीफा मांगते हैं। अरे, हमें जनता ने जनादेश दिया है, कांग्रेस ने जनादेश नहीं दिया है, तो जनता के जनादेश का हम पालन कर रहे हैं। सर, रुपेश हत्याकांड का भी अब तक कुछ सुराग नहीं निकल पाया, ऐसे में ये घटना लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। कहीं से अपराधियों के मंसूबे चकनाचूर होंगे, अपराधियों के मंसूबे कहीं से बढ़े नहीं हैं। जो घटनाएं हुई हैं वो घटनाएं संज्ञान में है और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। सर, एक आखिरी सवाल है, जिस प्रकार से कल किसानों का आंदोलन रहा यहाँ पे, पूरा हिंसात्मक रूप से रहा, RJD का दावा है कि इसको जाँच होनी चाहिए, इसमें घुसपैठ अलग से किया गया। RJD कम से कम, मेरा विनम्र निवेदन होगा RJD नेताओं से, इस पर राजनीतिक रोटी सेकने का कुत्सित प्रयास कतई न करें। उन लोगों का दावा है कि इसमें अलग से घुसपैठ किया गया, किसान नहीं थे वो लोग। सब कुछ सामने आएगा, समय आने दीजिए। तो ये है संजय मयूख जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और जो अपराधी है उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अब तक हमारे न्यूज़ फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें। उस वीडियो को अगर फेसबुक पर देखना है तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। शुक्रिया।